नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार खिरुगड़े, हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम महाराष्ट्र के अभूतपूर्व योद्धा शिवाजी महाराज के जीवनी को देश भर फैलाने का काम कर रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए और हमारे इस कार्य में आप भी जुड़ जाइए। अगर आप महाराष्ट्र से हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना छोड़े। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज धारा 370 रद्द हो गई और आजाद भारत का कश्मीर हिस्सा बन गया। सालों साल से कश्मीर जैसा सुंदर राज्य देश में होकर भी ना होने जैसा था, लेकिन आज से वो पूरी तरह से हमारा है। और गर्व की बात जो कि 15 अगस्त को इतिहास में पहली बार कश्मीर में तिरंगा बड़े गर्व से लहराएगा, और इससे बड़ी खुशी हो ही नहीं सकती। चलो अब बात करते हैं शिवाजी महाराज और कश्मीर की। दोस्तों, शिवाजी महाराज जी ने इस देश को 350 बरस पहले आजादी दिलाई थी। वो कैसे दिलाई थी, उसका वीडियो हमने हमारे चैनल पे दिया है और डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक भी दी है। आप उस लिंक पे जाके वीडियो को देख सकते हैं। जब शिवाजी महाराज की राजतिलक का समय पास आ रहा था, तब उनकी माँ जिजाऊ ने उनसे कहा, महाराज, राजतिलक के लिए 7 नदियों से पानी लाया गया है, लेकिन अभी भी 2 नदियां स्वराज्य में नहीं है, सिंधु और गंगा मैया। शिवाजी महाराज राजतिलक के बाद गंगा मैया भी स्वराज्य का हिस्सा बनने चाहिए, ऐसी इच्छा शिवाजी महाराज की माँ जी ने प्रकट की थी। उसके बाद जब शिवाजी महाराज दक्षिण भारत जाने की तैयारी कर रहे थे, तब स्वराज्य के सरसेनापति हंबीरराव जी मोहिते जी बोले, महाराज, दिल्ली पे चढ़ाई करना भी बेहद जरूरी है। तब शिवाजी महाराज जी ने कहा, सरसेनापति, हमारा इरादा तो कश्मीर घाटी का है, पहले कश्मीर लेंगे, दिल्ली अपने आप आ जाएगी। और दोनों गर्व से हंसते, लेकिन दक्षिण से वापस आ गए, तब कुछ गद्दारों की वजह से शिवाजी महाराज जी की मौत हो गई और कश्मीर का सपना अधूरा रह गया। दोस्तों, उसके बाद बाजीराव पेशवे कश्मीर तक गए थे, सिंध प्रांत भी लाया था स्वराज्य में, लेकिन ब्रिटिशों की वजह से वो फिर से आजादी की दूर गया। दोस्तों, 1947 पर भारत स्वतंत्र हो गया, लेकिन कश्मीर 370 की वजह से हमारे आजाद भारत में शामिल नहीं था। लेकिन दोस्तों, आज लोकसभा में ये बिल पास हो गया और बड़ा गर्व हो गया, बड़ा आनंद हो गया कि कश्मीर भी हमारा है और वो सिंधु नदी के साथ साथ गंगा मैया भी आजाद भारत का हिस्सा बन गई है। कश्मीर और गंगा मैया सिंधु नदी के साथ इस स्वराज्य का, शिवाजी महाराज के स्वराज्य का हिस्सा बन गई है। दोस्तों, ये था आज का वीडियो कि शिवाजी महाराज और कश्मीर का जो नाता था वो नाता और वो सपना। दोस्तों, मैं फिर से एक बार विनती करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए और शिवाजी महाराज के जीवनी को देश भर फैलाने के कार्य में आप जुड़ जाइए। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक कर दीजिए, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर ये वीडियो की लिंक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय भवानी, जय शिवराय।